जल्द मिलेगा नया संसद भवन। सेंट्रल विस्टा मास्टर प्लान के तहत चल रहा है काम। लोकतंत्र का मंदिर माने जाने वाले संसद भवन की तस्वीर जल्द बदलने वाली है। नया संसद भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। आजादी के 75 साल पूरे होने पर एक नई तस्वीर हमारे बीच होगी। नया संसद भवन मौजूदा संसद भवन से अधिक बड़ा, आकर्षक और आधुनिक सुविधाओं वाला होगा। नए संसद भवन से जुड़ी कुछ खास बातें आपको बता दें। अगस्त 2019 में मौजूदा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की ओर से नए संसद भवन का प्रस्ताव रखा गया था। प्रस्ताव के मुताबिक नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर में बनाया जाएगा। केंद्र सरकार प्रयास कर रही है कि संसद के शीतकालीन सत्र का आयोजन नए संसद भवन में किया जाए। पीएम मोदी ने रखी थी नए संसद भवन की नींव। सौभाग्यम देव मंद्रे रिपु भय शमनम भार्गव शौर्य मार्गे तावत्त्वयात्र देवेशे स्थातव्यम हितकाम्यया आधारशिलायै नमः। नई बिल्डिंग का डिजाइन HCP डिजाइन मैनेजमेंट ने तैयार किया, जो अहमदाबाद की कंपनी है। भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स कर रही है। नई बिल्डिंग में ऑडियो विजुअल सिस्टम के साथ ही डेटा नेटवर्क फैसिलिटी का ध्यान रखा गया है। नए संसद भवन में कुल 1,224 सांसदों के बैठने की सुविधा होगी। इनमें 888 सांसद लोकसभा चैम्बर में बैठ पाएंगे, जबकि राज्यसभा चैम्बर में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। नई बिल्डिंग में सेंट्रल हॉल नहीं होगा, लोकसभा चैम्बर में ही दोनों सदनों के सांसद बैठ सकेंगे। नए भवन में एक भव्य संविधान कक्ष होगा। उम्मीद है कि नए संसद भवन का निर्माण इस साल के अंत तक या 2023 की शुरुआत तक पूरा हो जाएगा। इसी कड़ी में एक यादगार पल का गवाह पूरा देश बना, जब 11 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर कांस्य में ढले राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया। पूरे देश के लिए ये सचमुच एक ऐतिहासिक लम्हा रहा। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद थे। उसके बाद उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने नया संसद भवन बना रहे कर्मियों से भी मुलाकात की। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, इमारत बना रहे हैं कि इतिहास बना रहे हैं? सबको मालूम है, संसद भवन पर बने नए अशोक स्तंभ की ऊंचाई 6.5 मीटर है और इसका वजन 9,500 किलोग्राम है। इस प्रतीक को नए संसद भवन के केंद्रीय फॉयर के शीर्ष पर स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक को सपोर्ट देने के लिए 6,500 किलोग्राम का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनाया गया है। इसे भारतीय कारीगरों ने पूरी तरह हाथ से तैयार किया है। ये मॉडल अशोक स्तंभ का प्रतिरूप है, जिसे सारनाथ के लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक से लिया गया है।